दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल द रेल यात्री। आज के इस वीडियो में उन नई ट्रेनों के बारे में अपडेट होगा जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे शुरू करने वाला है। ये ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर चलाई जा रही हैं। कौन सी ट्रेन है, कहां से कहां तक चल रही हैं, टाइमिंग क्या है, किस टाइप के कोचेज लगाए जा रहे हैं, कितने कोचेज लगाए जा रहे हैं, सारी अपडेट आज आप इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही नई ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 04126 वलसाड सुबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर मंगलवार वाले दिन वलसाड से दिन में 1:25 पर चला करेगी और लगभग 27 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन सुबेदारगंज शाम को 5 बजे पहुँचा करेगी। इस ट्रेन को लगभग 14 स्टेशनों पर रोका जाएगा। इस ट्रेन में स्लीपर के 8 कोचेस, थर्ड एसी के लगभग 7 कोचेस और 1 सेकेंड एसी वाला कोच और 5 जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन वलसाड से चलने के बाद सूरत, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, टुंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर होते हुए अपने अंतिम स्टेशन सुबेदारगंज तक चलेगी। फिलहाल दोस्तों अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। अब ट्रेन नंबर 04122 सिकंदराबाद सुबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शनिवार वाले दिन सिकंदराबाद से रात में 4:30 पर चला करेगी। 29 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन सुबेदारगंज दिन में 10 बजे सुबह पहुँचा करेगी। लगभग 14 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में अगर रेक कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो स्लीपर के 8 कोच, एसी के 7 कोच, थर्ड एसी वाले, सेकेंड एसी वाला 1 कोच, जनरल के लगभग 5 कोच लगाए जाएंगे। आइए देख लेते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या है। ये ट्रेन सिकंदराबाद से चलने के बाद काजीपेट जंक्शन, बुलहरशाह, नागपुर जंक्शन, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, उरई, पुखराएँ, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर होते हुए सुबेदारगंज तक चला करेगी। इस ट्रेन की भी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04168 अहमदाबाद आगरा कैंट सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर सोमवार वाले दिन अहमदाबाद से दिन में 2:10 पर चला करेगी। 16 घंटे 20 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन आगरा कैंट सुबह 6:30 पर पहुँचा करेगी। लगभग 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से चलने के बाद नाडियाड जंक्शन, आनंद जंक्शन, छायापुरी, रतलाम, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी, हिंडन सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी होते हुए आगरा कैंट तक चला करेगी। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 02133 मुंबई बांद्रा टर्मिनस जबलपुर सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शनिवार वाले दिन मुंबई बांद्रा टर्मिनस से शाम को 5:15 पर चला करेगी। 21 घंटे 55 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन जबलपुर जंक्शन दिन में 3:10 पर पहुंचा करेगी। लगभग 12 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में स्लीपर के 10 कोच, थर्ड एसी के 4 कोच और 1 सेकेंड एसी वाला कोच लगाया जाएगा। लिस्ट की अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन नंबर है 02197 कोयम्बटूर जबलपुर सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर सोमवार वाले दिन कोयम्बटूर से दिन में 3:10 पर चला करेगी। 41 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन जबलपुर सुबह 8:45 पर पहुंचा करेगी। 31 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर के कोचेस के साथ साथ जनरल क्लास के भी कोचेस लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 02188 मुंबई सीएसटी रीवा सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार वाले दिन मुंबई सीएसटी से दिन में 1:30 पर चला करेगी। 19 घंटे 25 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन रीवा सुबह 8:55 पर पहुंचा करेगी। 15 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी वाले कोच में आप अभी से टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये थी उन ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे शुरू कर रहा है। आप अभी से अपने टिकट बुक कर लीजिए। अगर वेटिंग भी है तो वेटिंग बुक करके आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में जो वेटिंग होता है वो कुछ ज़्यादा जल्दी घटता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। Thank you so much for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.